इसके बाद हम ये राइट का पोर्शन है पैनल का, ठीक है, आप देख रहे हैं, और इसी तरह ये इसका लेफ्ट विंडो है जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ये बेसिकली हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वॉल, ये वॉल हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ब्रांड शॉप है, घर से घर तक का स्वीट्स का ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, और हम इसके लिए हमारे पैनल्स जो हैं इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। जब तीनों पोर्शन आपने देख ली विंडोज़ की, ऊपर तक का आपको तीन विंडोज़ नज़र आ रही हैं, इसी तरह तीन विंडो राइट राइट पे और तीन विंडो लेफ्ट पे। तो जी व्यूअर्स, आज तक का हमारा जो काम है अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है इसको देखेंगे। हमने इसके अंदर सुराख करना है यहाँ पे इसको, बल्कि हमने थोड़ा पैटर्न भी सेट करना है अभी। और पैटर्न सेट करने के बाद इसका जो ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको, इस वाले एज को हमने अभी सेट करना थोड़ा, क्योंकि ये हमारा पैटर्न जो था ये एक्चुअली में हमारा सेंटर का पोर्शन है, जो हमारा इसके सेंटर में लगना है, ये उसकी ड्राइंग है, और हम इसी ड्राइंग को फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा पैटर्न सारा सेम रहे, और इसी का अब जो एजेस हैं वो हम इसको एक नए पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, इसी को मॉडिफाई करते हुए। तो इसको मॉडिफाई करते हैं और बाकी फिर जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसको भी आपको लाइव दिखाते हैं। ये पार्ट वन है और इसका पार्ट टू है जो इसके बाद हम बनाएंगे, वो भी आप देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, आपने वीडियो मेरा देख लिया है लाइव, ये हम बना रहे थे इसको, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा अगला जो इसका सेगमेंट है कि हमने इसको नेक्स्ट कैसे डिज़ाइन किया। नेक्स्ट में जैसे ये हमारा प्रोसेस आगे चलता है मैं आपको साथ साथ वो दिखाता जाता हूँ। अभी आज की डेट का जो हमारा काम होना था वो इसको हमने वाइंड अप कर लिया है, और इसके बाद हम इसके अगले सेगमेंट में जाएंगे। इसके अब इसमें होल्स निकलेंगे ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन से होल करने के बाद हम इसको फिर अपना जो हमारी कार्विंग मशीन है, कार्विंग मशीन से हम इसकी विंडोज़ निकाल देंगे। विंडोज़ निकालने के बाद फिर इसका अगला प्रोसेस जो होगा वो बॉर्डर्स लगेंगे और इसका एक बॉक्स फ्रेम बन जाएगा। हमने इसकी डेप्थ जो रखनी है क्योंकि हमारे इसमें प्रोडक्ट्स आनी है, प्रोडक्ट्स को हमने लगाना है इसके अंदर, और प्रोडक्ट हमारी लगेंगी तो ये जो है तकरीबन 9 इंच या हम 1 फुट इसकी डेप्थ रखेंगे। एज़ पर प्रोडक्ट की डेप्थ हम चेक करेंगे, उसकी प्रोडक्ट की डेप्थ के मुताबिक हम इसकी फिर डेप्थ जो होगी, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स अपनी डिस्प्ले के लिए लगानी है, तो हम उसके मुताबिक इसकी प्रोडक्ट की जो होगी डेप्थ वो हम इसकी फिर डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है प्रोडक्ट है उसकी डेप्थ हमें क्या चाहिए। तो जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। आठ 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 मतलब कलाकारी।
बता रहे हैं।